खबर प्रयागराज से है, जहां पर होलागढ़ ग्राम सभा बलाई में माजरा पुरुषोत्तमपुर मलकिया सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर सरकारी चोरों ने 40 बोरी गेहूं आज रात चोरी कर ले गए। जब इसकी सूचना कोटेदार को मिली, कोटेदार के हाथ पांव फूल गए और इसकी सूचना पीआरबी 112 पर दी गई। होलागढ़ थाने को भी सूचना दी गई। मौके पर होलागढ़ पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। होलागढ़ थाना के अंतर्गत चोरों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। होलागढ़ थाने क्षेत्र में जितनी भी चोरियां होती हैं उनका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, जिसके चलते चोरों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज जिला तहसील सोराम ग्राम सभा बलई मई में उपस्थित है, जहाँ पुरुषोत्तमपुर मलकिया यहाँ के अभी आज शाम के चोरों ने जो है सरकारी गल्ले की दुकान पर जो है अपना हाथ साफ किया है। अब हमारे सामने कोटेदार भी मौजूद, जरा हम इनसे हम बात करना चाहते हैं, ये बताएंगे कि हाँ बताइए कोटेदार साहब, क्या क्या सामान हो गया? मेरा सर लगभग 40 से 45 बोली गेहूँ चावल गया है। कब आज गया है? आज गया है, 3 से 3:30 के बीच में चोरी हुई है। हमारे पड़ोसी, हमारे चाचा रहते हैं, उन्होंने देखा और हमको बताया, तो हम लोग आके यहाँ। जैसे आप लोगों के पास किसी को कोई शक हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। जिसमें कांटा बाट रजिस्टर परिस्टर सब यहीं पर था, सब उठा लेंगे। तो क्या आपने अपने वितरण गल्ला क्या कलेक्ट कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, वितरण तो लास्ट 20 तारीख था ना, 20 तारीख आपका किसी के ऊपर शक किसी सुबह? नहीं नहीं सर। तो आपने तो सुविधा होलागढ़ थाने में दिया? हाँ, फोन नंबर भी दिया, होलागढ़ थाने में दिया। हाँ। मतलब आपको किसी के ऊपर सवाल नहीं है ना किसी तरीके से? मतलब नहीं नहीं। तो क्या यहाँ कोई रहता नहीं था क्या? यहाँ नहीं। क्यों नहीं? जवाब जान लो, सरकारी गल्ले की दुकान है, इतनी बड़ी आपके पास जिम्मेदारी गाँव वालों ने दिया था आपको, क्यों नहीं यहाँ रहते? आपको कराना चाहिए ना एक लोगों के यहाँ? गंगापार प्रयागराज से मोहम्मद हाफिज खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।